में सातवें चरण के मतदान के लिए जहां चंद दिन शेष रह गए हैं, वहीं सोनभद्र में चुनावी समर को धार देने के लिए नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र के इस प्रांगण में प्रस्तावित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करेंगे। जनपद सोनभद्र में 4 विधानसभा है, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी, और ऐसे में चारों प्रत्याशियों के लिए यहां से वोट मांगेंगे। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव में छोटेलाल खरवार के लिए यहां वोट मांग चुके हैं। वहीं 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगा और यहां पे चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः 2022 में यहाँ जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में जनता को संबोधित करने में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री कितने मुफीद साबित होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जनपद सोनभद्र में 7वें चरण के मतदान के लिए यह सबसे बड़ा दिन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के प्रत्याशियों के लिए। संतोष सोनी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।